So this is this a book book. you have written. Yes, this is a book which I have written to help school teachers. So I will just teach you through this booklet. Okay. So this is available in English also and in Hindi also. Okay. So we are just going for a quick revision of Jolly Phonics through this booklet. So in English, we have 26 letters where we have five vowels and 21 consonants. ओके बट हिंदी में और इंग्लिश में जो सबसे बड़ा फर्क है वो ये है कि हिंदी में हमारे पास में बहुत सारे 26 से ज्यादा स्वर और व्यंजन मिला करके होते हैं, जिसकी वजह से हर अक्षर का अपना खुद का एक साउंड होता है. लेकिन इंग्लिश में हमारी लिमिटेशंस हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में सिर्फ 26 लेटर्स हैं, लेकिन साउंड्स जो है वो ज्यादा हैं. हिंदी में हमारे पास में स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर जैसा कुछ नहीं होता, बट इंग्लिश में जैसा आप यहाँ पे देख रहे हो कि राहुल का आर कैपिटल है, इंडिया का आई कैपिटल है, स्पेशल नेम्स में हम कैपिटल लगाते हैं, सेंटेंस स्टार्ट में हम कैपिटल लगाते हैं, बट ऐसा हिंदी में नहीं होता है. राइट. तो इसीलिए इंग्लिश थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि हमारे पास में लिमिट है 26 लेटर्स की, और कहाँ पे कैपिटल है स्मॉल है. तो बच्चे को जहाँ हिंदी में एक ही अक्षर पढ़ना है कि अ, वहां पर उसे इंग्लिश में उसका स्मॉल लेटर भी सीखना है और उसका कैपिटल लेटर भी सीखना है. राइट. अभी अगर हम देखें यहाँ पर, तो सबसे पहले जो बच्चे को आना चाहिए वो हर 26 लेटर्स का पहले उसे साउंड आना चाहिए. जैसे ए की साउंड क्या होती है, ए. राइट. तो हम कोई भी लेटर का जो नाम है, जब बच्चे को हम नाम बता रहे हैं, जैसे कि ए है लेटर नेम, लेकिन जो लेटर नेम है वो लेटर साउंड नहीं होता है. तो ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है. हिंदी में क है तो वही क नाम भी है और वही स्वर भी है, उसकी आवाज भी क आ रही है, उसको बोलते भी हम क हैं. लेकिन यहाँ पर लेटर नेम अलग है और उसकी साउंड अलग है. लेटर नेम ए है लेकिन उसकी साउंड ए है. है ना. तो इस तरह से सबसे पहले हमें साउंड्स बतानी है बच्चों को, है ना. तो बी का साउंड जैसे ब, तो अब ये साउंड्स बताने के लिए हमारे पास में स्टोरी होनी चाहिए, राइम्स होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो लेसन प्लान है वो बहुत ज्यादा इंटरैक्टिव होना चाहिए. तो इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आप ये जॉली फोनिक्स लेसन ऐप को डाउनलोड करें, जहां पर आपको हर लेटर के लिए एक साउंड, हर साउंड के लिए एक स्टोरी है, एक्शन है, राइम है, वर्कशीट है ना. तो ये आपने डाउनलोड किया हुआ है. अब हम आते हैं वावल्स पर, क्योंकि सबसे ज्यादा जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं वो वावल्स में होते हैं. तो ये जो वावल हैंड है, ये शॉर्ट वावल हैंड है, जिसमें हम ठीक है, ये साउंड्स शॉर्ट ही हैं. जैसे हमने ए, तो ये शॉर्ट है, जबकि ए तो वो लॉन्ग हो जाता. तो इनको शॉर्ट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये बहुत शॉर्ट है. गॉट इट. तो इस तरह से हमें सारे, जब 26 लेटर्स के हमने साउंड सिखा दिए है ना, तो अक्षर का नाम कुछ और है लेकिन उसका स्वर कुछ और है. राइट. है ना. ए का साउंड ए, बी का साउंड ब, सी का साउंड ख, डी का साउंड ड, ई का साउंड ए, एफ का साउंड जी का साउंड ग. तो इस तरह से हमें पहले 26 लेटर साउंड्स बच्चों बच्चों को आने चाहिए, है ना. ये लेटर साउंड्स बच्चे को कौन से क्लास में आ जाने चाहिए, नर्सरी में, है साउंड्स. हम सिर्फ साउंड्स की बात कर रहे हैं. तो जब बच्चा ए टू जी लिखना आ गया और उसे ये 26 साउंड्स आ गए, तो ये 26 साउंड्स के लिए आप यूट्यूब पर अगर टाइप करते हैं जॉली फोनिक्स ए टू जी, तो आपको ये ए बी सी डी के सीक्वेंस में सारी राइम्स मिल जाएंगे. मैं आपको अभी दिखाती हूँ यहाँ पर. अगर हम नर्सरी क्लास के बच्चे को करवाते हैं, है ना, तो हमें क्या करना है, यूट्यूब पर जाकर के और जॉली फोनिक्स ए टू जी, ठीक है. तो ये नर्सरी क्लास के बच्चे को, ये जो मैंने अभी चार्ट में साउंड्स दिखाए थे आपको, ये सारे साउंड्स हम इस राइम के थ्रू इनको सिखा सकते हैं.
अगर बच्चा एलकेजी में यानी नर्सरी हो गया और ये 26 साउंड्स उसे आ गए हैं, फिर हमें क्या करना है? हमें आगे अप आपकी आवाज बहुत धीरे हो गई है, अभी ओके नाउ भी उतना नहीं है जितना पहले था। ओके मे बी सम कनेक्शन ओके। तो जब नर्सरी क्लास में 26 लेटर साउंड्स हो गए हैं, मैम आवाज बहुत कम आ रही है, बहुत कम। आप एक बार नेटवर्क चेक कीजिए वहां से, ठीक सॉरी, है? तो जब हम बच्चे को नर्सरी में 26 लेटर साउंड्स करा चुके हैं, तब हम जॉली फोनिक्स का जो ऐप मैंने आपको डाउनलोड करने के लिए बोला, वो ऐप डाउनलोड हमें अब करना है, क्योंकि अब हम उस ऐप के हिसाब से चलेंगे, ठीक है? तो ग्रुप वन, हमने 7 ग्रुप्स बनाए। अब हम एलकेजी के स्टूडेंट को 26 साउंड्स नहीं, 42 साउंड्स करा रहे हैं, राइट? तो ये हमारा फर्स्ट ग्रुप, ये हमारा फर्स्ट ग्रुप है जिसमें SATIPN, ठीक है, ये लेटर्स हैं। तो साउंड्स हम 6 साउंड्स ले रहे हैं, स, आ, ट, इ, प, न। तो अब यहाँ पर मैंने स्टोरी दी है, तो यही स्टोरी ऐप में दे रखी है। तो एक हम स्टोरी से स्टार्ट करके राइम से कनेक्ट करके एक्शन सिखाएंगे, ताकि एक्शन से बच्चे को जल्दी याद हो जाए, ठीक है? अब हम फर्स्ट ग्रुप में क्या क्या वर्ड्स बना सकते हैं, SATIPN की साउंड से हम क्या क्या वर्ड्स बना सकते हैं, है ना? तो सिट, पिट, पैन, सैट, सिट, नैप, निप, पैट, पैन, निप, नैप, पैन, पिन, ये सारे वर्ड्स बच्चा फर्स्ट। सीबीसी वर्ड तो यहाँ पे हमें बच्चे को किस तरह से सिखाना है कि स प्लस ई सी, है ना? एस और आई को अगर हम एक साथ लाएंगे तो बनेगा सी, और फिर ठ सिट। इसी तरह से पिट पैन, है ना? ये तो बच्चे को ये पहले करवाना है, पै फिर राइट। न, पै फैन, सा सैट, है ना? यानी कि कॉन्सनेंट और वावल को आप इकट्ठा रखें, साथ में रखें, है ना? प आ पै, पहले पै आ जाएगा तभी उसे पैन पढ़ना आएगा, पहले उसे सै आ जाएगा तभी उसे सैट पढ़ना आएगा, पहले उसे सी आ जाएगा तभी उसे सिट पढ़ना आएगा, ठीक है? तो इस तरह से फर्स्ट वीक में ही आपका जो एलकेजी का बच्चा है वो बहुत सारे वर्ड्स बना पाएगा, क्योंकि उसने अभी तक 6 साउंड सीख लिए हैं। तो इस तरह से हम हर ग्रुप में 6 साउंड्स लेते जाएंगे और बच्चा और ज्यादा वर्ड्स बनाते जाएगा। अब हम 3 लेटर्स के बाद में 4 लेटर्स भी बनवा सकते हैं, है ना? तो ह ए, तो पहले बच्चा है पढ़ेगा, तब जाके वो न पढ़ेगा, है ना? हेन, ठीक है? इसी तरह से थर्ड ग्रुप में जब हमने ग अ अ ल ये जो बाइफोकेशन जो है लेटर्स का, लाइक पहले फर्स्ट ग्रुप था, सेकंड ग्रुप था, थर्ड ग्रुप हाँ, आया। मैं उसी पॉइंट पे आ रही हूँ। हमने इस तरह से लिया है कि हम फर्स्ट 3 ग्रुप्स में ये शॉर्ट वावल्स को कवर कर लें। तो यहाँ पे आने के बाद हम बच्चे को पहले ये अच्छे से प्रैक्टिस कराएंगे, जिसको हम फोनिक ड्रिल बोलते हैं, सा से सी सौ स पा पे पी पॉप, यानी हम कॉन्सनेंट और वावल लेंगे, जितने भी कॉन्सनेंट्स हैं उसके साथ में ये 5 शॉर्ट वावल्स के कॉम्बिनेशन को टीच करेंगे, जैसे ला ले ली लो ल, फा फे फी फो फ, बा बे पी बॉब। तो यहाँ पे आने के बाद बच्चा कोई भी सीवीसी वर्ड आराम से, सीवीसी यानी कि कॉन्सनेंट वावल एंड देन कॉन्सनेंट, तो जैसे ये कैट पेन, तो हम एक बोर्ड गेम बना सकते हैं जिसमें हम उन्हें कॉन्सनेंट्स और वावल्स दे दें और वो यहाँ पे इस तरह से वर्ड्स बना सकते हैं, है ना? फोर्थ ग्रुप से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होता है, क्योंकि यहाँ पर हम डायग्राफ्स करते हैं, यानी कि 2 लेटर्स से एक साउंड आ रहा है ना? तो ए आई का जो साउंड है वो लॉन्ग है, जैसा कि पहले शॉर्ट था, ये लॉन्ग है। आप जब इसको सुनते हो तो ये लंबा है, ए ओ आई, ओके ई ओ, ओके ये यहाँ पे बाय मिस्टेक आ है, ये इसको हम आई आई पढ़ेंगे, है ना? ये नीचे नीचे जो लिखा है, ठीक है? कहाँ पर मैम?
ठीक है, ये अच्छा आई ओ के या सामने ओ चला गया है और ओ के सामने आई चला गया, ये हम क्रॉस कर लेंगे इसको, है ना। तो ये 5 लॉन्ग वावल्स कहलाते हैं, ए ई आई ओ यू, है ना। तो ये है ए ई। यहाँ पर रूल क्या है कि जो पहला लेटर है वो अपना साउंड दे रहा है, ए बोल रहा है ए और आई चुप है ना। ई बोल रहा है ई और सेकंड ई चुप है, आई बोल रहा है आई और ई चुप है, ओ बोल रहा है ओ ए चुप है, यू बोल रहा है यू और ई चुप है। यानी कि अगर हम लॉन्ग वावल्स में देखें तो दोनों में से सिर्फ एक ही बोल रहा है, वो अपना नाम बता रहा है। तो यहाँ पर ये रूल है कि व्हेन टू वावल्स गो वॉकिंग द फर्स्ट वन डज द टॉकिंग, है ना, पहले वाला ही बोल रहा है। और ऐसे इनको हम डायग्राम्स क्यों बोलते हैं, यानी कि टू लेटर्स वन साउंड, ठीक है। तो दो व्यंजन से अगर एक स्वर आता है, यानी टू लेटर से अगर वन साउंड आती है, तो वो कॉन्सोनेंट डायग्राफ है, और अगर उसमें कोई वावल है एक, तो वो वावल डायग्राफ है ना। तो सी एच से च, तो सी की साउंड ख और एच की साउंड ह अभी नहीं है, है ना, और ख की जगह नया एक साउंड आ गया जो है छ, तो इसीलिए डायग्राफ है, क्योंकि दो लेटर से एक नई साउंड आ गई, ठीक है। अब हम यहाँ पे जब लेटर बोर्ड देंगे तो हम यहाँ पे लॉन्ग और शॉर्ट वावल्स दोनों देंगे। तो ये लॉन्ग वावल्स हैं ए ई आई ओ यू, तो हमने सब कॉम्बिनेशन दिया है। तो अब जब बच्चे वर्ड्स बनाएंगे, तो जैसे एस लिया, उसके बाद में अगर ए आई डायग्राफ लिया है और फिर एल लिया है, तो वर्ड बन जाएगा सेल, सेल्स है ना। तो इस तरह से हम उन्हें, आप ये छोटे छोटे रिसोर्सेस बना सकते हो, इनको या तो फ्लैश कार्ड्स बना सकते हो या कॉइन्स के ऊपर लिख सकते हो, तो बच्चा कॉइन उठाएगा जिसके ऊपर ए आई एक साथ लिखा हुआ है ना। जित ओके डायग्राफ को हमें एक कॉइन पे अगर डायग्राफ लिखना है तो ए आई दोनों होगा, है ना, आई ई एक साथ होगा, है ना, इस तरह से। ये जैसे ये है ना। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, नए नए साउंड्स उनको कराएंगे, तो उन साउंड्स को, कॉन्सनेंट्स को वावल्स, शॉर्ट वावल्स और लॉन्ग वावल्स के साथ कॉम्बिनेशन करके क्या क्या वो वर्ड बना सकता है बच्चा। वर्ड है सैड SAID। तो जैसे आप जिस तरह से बता रहे हैं फर्स्ट वन इज टॉकिंग, लाइक यू नो टू वर्बल्स वॉकिंग, फर्स्ट वन इज टॉकिंग। तो अगर मैं SAID अगर स्पेल करती हूँ तो इट्स सैड ना कि सेड, सेड, सेड्स। नहीं, दैट्स अ ट्रिकी वर्ड, है ना। ट्रिकी वर्ड्स भी हम करेंगे। ट्रिकी वर्ड्स वो होते हैं जो फोनिक रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, उनको स्पेलिंग याद करवा के ही हम वर्ड रीड करवा सकते हैं। तो SAID, दैट इज अ ट्रिकी वर्ड, ओके। ये ये हम हम डिफरेंस जब कैसे फोनिक्स करेंगे? के वर्ड्स लेते हैं, ये 80% वर्ड्स को कवर करता है, बट फिर भी 20% वर्ड्स बच्चों को रटने ही पड़ेंगे, बिकॉज वो ट्रिकी वर्ड्स होते हैं, ठीक है। अब जब हमने ये यहाँ तक कर लिया, उसके बाद में भी अगर आप देखते हो कि कोई बच्चा है जो बहुत रुक रुक के वर्ड को पढ़ रहा है, फास्ट नहीं पढ़ पा रहा है, तो हमें ये कॉन्सनेंट ब्लेंड्स की प्रैक्टिस करानी है। जैसे कि दो कॉन्सनेंट्स को एक साथ अगर पढ़ना है तो उनको फास्ट रीड करना पड़ता है, जैसे ड्र ब्र फ्ल क्ल फ्ल। तो हमें इन कॉन्सनेंट ब्लेंड्स की प्रैक्टिस करानी है, ठीक है। ट्र, जैसे कि अगर बच्चे को ट्रैप पढ़ना है तो वो रुके ना, ट्र वो एक साथ पढ़े, फिर ऐ पढ़े, फिर फ, ट्र ऐ फ ट्रैप, ना कि ट र ऐ प, नहीं। कॉन्सनेंट ब्लेंड्स को हमेशा साथ में पढ़ा जाता है, दो कॉन्सनेंट्स अगर साथ में हैं तो उनको हम स्पीड से पढ़ते हैं, फ्र ट्र, है ना, क्र ड्र ट्र, ओके। मैम लाइक जैसे आपने मैम एक बार थोड़ा सा ना चैप्टर 5 पे पढ़ लीजिए आप। आपने यहाँ पे ये 3 लेटर वर्ड्स बताए हैं, तीन व्यंजन को एक साथ इकट्ठा करके पढ़ते हैं वहां पर। तो मैम जैसे IGH होता है ट्राइग्राफ तो उसके लिए क्या? है, उसको हम ट्राइग्राफ बोलते हैं, वो आगे के लेवल पे आएगा, है ना। अच्छा आई जी एच ट्राइग्राफ, क्योंकि 3 लेटर्स से वन साउंड आ रही है, ओके, ठीक ओके फाइन। है। इसी तरह से फिर हम 6th ग्रुप पे आते हैं, उनको वो साउंड्स कराते हैं, फिर 7th ग्रुप पे। तो अब जब बच्चा 7th ग्रुप कर लेता है तो मेजोरिटी ऑफ द वर्ड्स को वो पढ़ पाता है ना। तो व आउ ओए, ये सारे साउंड्स जो हैं, ये बच्चा 42 साउंड्स यहाँ पे कर लेता है
है ना। तो 42 साउंड्स के बाद जो मैंने आपको बोला हम ट्रिकी वर्ड्स लेते हैं। ग्रुप सेवन है मैम, ग्रुप सेवन में आपने जैसे टू वॉवल्स के अंदर उसका साउंड कंप्लीट चेंज हो गया है, जैसे ई आर है, तो हाँ इसका नहीं, साउंड तो मैम दोनों जैसे कॉन्सनेंट, आपकी दोनों वावल्स नहीं है ना। व्हेन टू वावल्स गो वॉकिंग द फर्स्ट वन डज द टॉकिंग। ई आर में आर कॉन्सनेंट है। मैम, जैसे ये जो है ना अर जो साउंड है, जैसे जो जॉलीफोनिक्स एप्लीकेशन है उसके अंदर इसका साउंड है अर अर अर, बट यहाँ पे आपने उसको हिंदी में कुछ है ना अह लिखा है। आर जो है कंट्रोल्ड है, वो आपको सुनाई नहीं देता। अभी क्या है ना, उसका हिंदी डिपेक्शन बिल्कुल वैसे हम कर नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो आर है उसको कंट्रोल मुंह के अंदर ही रखना है, इट डजेंट कम आउट, है ना। का साउंड इज लाइक अ है ना, मिक्सर। तो आपको मिक्सर में र नहीं सुनाई देगा। अच्छा ओके, एक्चुअली इट इज इनसाइड, यू कैन फील इट, लेकिन वो बाहर नहीं आता है। मिक्सर है ना, मुझे पता चल रहा है कि मैंने टंग रोल किया, बट इट डजेंट कम आउट। इसी तरह से ओके खा है ना, इसीलिए मैंने यहाँ पर जो है डॉट लगाया है और र नहीं लिखा है। ओके, क्लियर अच्छा है ना। हाँ, यहाँ पर दो ऐसे साउंड्स हैं जैसे ओ यू है और ओ आई है, जहां पर लॉन्ग वावल वाला रूल एप्लीकेबल नहीं है। है ना, व्हेन टू वावल्स गो वॉकिंग द फर्स्ट वन डज द टॉकिंग, वो लॉन्ग वावल्स के लिए ही है। ए ई आई ओ यू वहीं पे फॉलो होता है, ओ यू और ओ आई में नहीं फॉलो होता है, और इनको हम डिफ्थोंग्स बोलते हैं। ठीक है, अच्छा जहां पर कि दोनों वावल्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं नए साउंड के लिए, आउ एंड ओए। तो ये डिफ्थोंग्स, टू सॉ डाई मीन्स टू, थोंग मीन्स साउंड, तो टू साउंड्स डिफ्थोंग। ओके, उसके बाद में हम ये ट्रिकी वर्ड्स, तो जैसा मैंने आपको बोला ट्रिकी वर्ड्स रटाने हैं, लेकिन अगर हम बच्चे को एक बार के लिए बोले कि अगर ये ट्रिकी नहीं होता तो आप इसे कैसे रीड करते, तो बच्चे को याद करना इजी होता है। जैसे कि एच ई ही, तो हम बच्चे को बोल सकते हैं कि ये ट्रिकी है ना, इसने रूल ब्रेक किया, इसको हम प्रेजेंट में, तो आप ट्रिकी वर्ड्स का एक प्रेजेंट बना सकते हैं जिसमें हम ट्रिकी वर्ड्स को वन बाय वन डालते जाएंगे और बच्चों को बोलेंगे ये ट्रिक करता है इसलिए हमने इसे जेल में बंद कर दिया, इसने रूल ब्रेक किया, इसको बोलना चाहिए था ह है, बट ये है नहीं है, ये ही है। ऐसा बोलने से जब बच्चा डिक्टेशन देता है तो उसे याद रहता है। जब आप ही बोलोगे अच्छा मैम ने बोला था है होना चाहिए था, तो उसको एच ई लिखना आ जाएगा। ओके, दीज आर ट्रिकी वर्ड्स। अब जब बच्चा बड़े बड़े वर्ड्स रीड करता है, स्पेलिंग्स को बड़े बड़े स्पेलिंग्स रीड करता है, तो उसे सिलेबल्स आना चाहिए, यानी कि वर्ड को तोड़ना आना चाहिए। तो वर्ड को हम कैसे तोड़ें, हमें इस तरह से वर्ड को तोड़ना है कि एक पार्ट में एक ही वावल साउंड है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज वावल्स में ही होते हैं। तो अगर कोई वर्ड है चैप्टर, तो हमने उसे इस तरह से तोड़ा कि एक वावल साउंड एक तरफ है, ए चैप एंड ट, है ना, नैपकिन। तो हमने इस तरह से उसको ब्रेक किया है कि एक पार्ट के अंदर एक ही वावल आना चाहिए, है ना, नैप ओके एंड किन। ठीक है, अब आता है किसी शब्द में कितने स्वर हैं उतनी बिंदी हमें लगानी है। इससे भी हम बच्चों को स्पेलिंग इजीली याद करा सकते हैं जब वो डॉट्स लगाएंगे। जैसे कि पेन में हमने 3 डॉट्स लगाए, लेकिन पेपर में हमने 5 लेटर्स या फिर भी 4 ही डॉट्स लगाए, ताकि ये बच्चा समझ जाए कि ई आर एक साथ है ना, अ ओके साउंड है। इसी तरह से बुक में डबल ओ एक साथ है, इसलिए एक ही डॉट लगाए। तो इस तरह से भी बच्चे को अवेयरनेस होगी कि ये डायग्राफ है, इसलिए एक ही बिंदी लगी है ना। मैम, अब जैसे एक ना बच्चों को ना ऐसे बड़े बड़े वर्ड्स को देख के ना एकदम डर लगता है कि मैं इसको कैसे पढ़ूंगा, जैसे इसीलिए फ्लुएंसी आपको से। इस तरह से डिवाइड करना है, मैंने यहाँ पे चैप्टर को डिवाइड किया है ना। तो पहले बच्चे ने चैप याद किया, फिर ट याद किया, नाप याद किया, फिर किन याद किया। ओके, अब अगर हम आए कुछ स्पेलिंग रूल्स हैं, तो फर्स्ट रूल तो हम कर चुके हैं। सेकंड रूल ये कहता है कि अगर मैजिक, अगर शॉर्ट वावल है और उसके बाद कोई कॉन्सनेंट है और फिर ई है, तो वो शॉर्ट वावल को लॉन्ग वावल बना देता है, टिड टाइड बन जाएगा, हॉप होप बन जाएगा, है ना।
हैट हेट बन जाएगा, यानी कि अगर शॉर्ट वावल के बाद में कॉन्सनेंट है और उसके बाद में ई है तो वो शॉर्ट वावल को लॉन्ग वावल यानी ए बन जाएगा। और जो शॉर्ट वावल्स हैं वो ए ई आई ओ यू लॉन्ग वावल में चेंज हो जाएगा। अभी हम आगे इसके में वर्कशीट देखेंगे, ठीक है। क्राई, अच्छा लास्ट में जब आई को स्टैंड करना है तो उसको शर्म आती है, आई को पीछे खड़े होने में शर्म आती है तो वो भाग जाता है, और आप देखोगे लास्ट में मोस्टली वाई आता है ना। क्राई डे, तो आई डज नॉट लाइक, उसको अच्छा नहीं लगता पीछे खड़े होना, तो वाई आ जाता है। इसी तरह से ई साउंड, टू वावल साउंड अगर हैं तो लास्ट में ई साउंड पे ई भी भाग जाएगा और वहां पर वाई आ जाएगा, है ना। अगर सी के बाद ई आई या वाई है तो वो ख नहीं बोल के वो सॉफ्ट हो जाता है, है ना। तो सेल, केल नहीं है वो, है ना, सिटी, सिलेंडर। और जी भी ऐसा ही करेगा, जी के बाद अगर हम ई आई या वाई लगाएंगे तो ग नहीं बोलेगा, वो ज बोलेगा, है ना। कुछ एक्सेप्शंस हैं जैसे गो और गिफ्ट। उसके बाद में ये है ट्रक रूल, बहुत इजी है। शॉर्ट वावल के बाद में अगर आपको ख सुनाई दे तो आप सी और के दोनों लगाओगे, ओके। फाइव जो शॉर्ट वावल्स हैं ए ई अ के बाद में अगर आपको ख सुनाई देता है, इसका मतलब है कि सी और के दोनों आएंगे, है ना। मिल्क रूल ये कहता है कि सी के बाद में, सी अगर ख बोल रहा है तो उसके बाद में ए ओ यू ही आ सकता है, क्योंकि हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि सी के बाद अगर ई आई वाई आएगा तो वो ख नहीं बोलता, वो श बोलता है। तो इसका मतलब ए ओ यू के साथ में वो ख, यानी कि इसको हम हार्ड बोलेंगे, है ना। तो थोड़ा सा ना आप मतलब इजी बता सकते हैं, जैसे मतलब ये चीजें लर्न करना बच्चों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कि मतलब आपको वर्कशीट से ए प्रैक्टिस करानी है, अभी मैं आपको वर्कशीट्स बता रही हूँ, है ना। तो ये तो हो गया बिगिनर्स के लिए, एलकेजी यूकेजी तक के, यूकेजी के बच्चों को आप ये रूल्स करा सकते हो। उसके बाद में जब ग्रेड वन में बच्चे जाते हैं तो वहां पर स्पेल भी कंपटीशन में अपियर करते हैं, तो वहां पे उनको फोनेटिक चार्ट आना जरूरी है, क्योंकि जैसा मैंने बोला 80% फोनिक वर्ड्स हैं, बट जो 20% ट्रिकी वर्ड्स हैं, तो अगर बच्चों को ये फोनेटिक सिंबल्स याद हैं तो बच्चे डिक्शनरी में खुद चेक करेंगे राइट प्रोनंसिएशन, है ना। तो एक मेरा वीडियो है जिसका मैं लिंक आपको शेयर करूंगी, और उस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि कैसे हम इन सिंबल्स को बहुत ईजी तरीके से बहुत जल्दी याद कर सकते हैं, ठीक है। ये अब मैं आपको वर्कशीट सिखा रही हूँ। तो ये शॉर्ट वावल है, ये लो शॉर्ट वावल्स की वर्कशीट्स हैं, सारी फाइव शॉर्ट वावल्स की, ठीक है। उसके बाद में जैसा मैंने आपको बोला कि फ्र, फ्ल, ब्ल, ड्र, क्र, क्ल, ये सारे कॉन्सनेंट ब्लेंड्स आने चाहिए बच्चों को, है ना। ट्र, क्र, क्ल, है ना, ये कॉन्सनेंट ब्लेंड्स अगर पीछे आएंगे तो इनको हम फाइनल कॉन्सनेंट ब्लेंड बोलते हैं, अगर आगे आते तो इनिशियल कॉन्सनेंट ब्लेंड। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में आ रहे हैं, है ना, ब्लेंड, बैंड, है ना, प्रिंट, ओके। ये लॉन्ग वावल्स हैं जो अभी हमने किए थे, जहां पर ये रूल फॉलो करते हैं, व्हेन टू वावल्स गो वॉकिंग द फर्स्ट वन डज द टॉकिंग, ए ई आई ओ यू। तो यहाँ पे बच्चों को लॉन्ग वावल्स के वर्ड्स को कलर करना है, लॉन्ग वावल्स पे कलर करना है। तो ये वर्कशीट्स हैं जिसमें बच्चे लॉन्ग वावल्स को फिल करेंगे। अब हम उनको ज्यादा प्रैक्टिस करा रहे हैं डायग्राफ्स की, ठीक है। टी एच, सी एच, एस एच, है ना, क्योंकि टू लेटर्स जब वो एक साउंड देते हैं तो वो डायग्राफ है, जो बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। इसी तरह से एन जी का उंग साउंड, है ना, ये सारी वर्कशीट है। ओ एंड ओ, डबल ओ से शॉर्ट ओ साउंड भी आ सकता है, लॉन्ग ओ साउंड भी आ सकता है ना। ठीक है, फिर ये आर कंट्रोल्ड वावल्स हैं, है ना, इनको हम आर कंट्रोल्ड वावल्स बोलते हैं, क्योंकि जिस भी वावल के बाद में अगर आर आता है तो वो आर जो है वो आगे वाले वावल का साउंड चेंज कर देता है, उसको कंट्रोल करता है ना। आर खुद तो कंट्रोल्ड रहता है, जैसा मैंने आपको बोला वो आपको सुनाई नहीं देता, है ना, बट वो जैसे ए की साउंड चेंज हो गई ना, ए की साउंड अब ए नहीं है ना, हम उसको आ बोल रहे हैं,
तो वो इसीलिए हम इनको आर कंट्रोल्ड वावल्स बोलते हैं, क्योंकि आर जो अपने आगे वाले वावल है उसकी साउंड को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अब ये हम हर एक अब जो कुछ ऐसे साउंड्स हैं जो ए आई का, अगर ए साउंड है तो वही साउंड ए वाई से भी आ सकता है, और ए डैश ई, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि लास्ट में होगा तो आई नहीं आएगा, वाई आ जाएगा। और मैजिक ई रूल जब हमने किया कि शॉर्ट वावल लॉन्ग वावल में चेंज हो जाता है ना, तो ये सारे वो वर्ड्स हैं जहां पर आपको ए साउंड सुनाई देगा। ठीक है, ये सारे ई साउंड, आई साउंड, ओ साउंड। तो ऑल्टरनेटिव का मतलब कि ओ ए की जगह और ऐसा क्या कॉम्बिनेशन है जो सेम साउंड है ना। यू के ऑल्टरनेटिव्स है ना, ओ के ऑल्टरनेटिव्स, आउ के ऑल्टरनेटिव्स, ओए के ऑल्टरनेटिव्स, अर के ऑल्टरनेटिव्स, फिर ये मैजिक ई की वर्कशीट है ना, किट काइट बन जाता है, पिन पाइन बन जाता है ना, ये सारी मैजिक ई। हार्ड सी सॉफ्ट सी जो अभी हमने रूल किया, तो कार कहाँ जाएगा, हार्ड सॉरी, सॉफ्ट, कार वर्ड कहाँ जाएगा, कार का वर्ड कहाँ जाएगा, कार सब सी में जाएगा। क साउंड है ना, तो फिर वो हार्ट में हाँ, जाएगा ना। हार्ड सी, हार्ड सी, गर्ल साउंड लेकिन है। पेंसिल कहाँ जाएगा, पेंसिल सर साउंड है, सॉफ्ट सी में जाएगा। इसी तरह से गो हार्ड में जाएगा और जिंजर सॉफ्ट में जाएगा, है ना। तो ये वर्ड्स हैं, टफी वाई जब वाई लास्ट में आ रहा है ना, तो हमने जो रूल्स किए हैं उन उन पे बेस्ड ये वर्कशीट्स हैं, और ये 72 ट्रिकी वर्ड्स जॉली फोनिक्स ऐप में कवर होते हैं। तो जो हम अभी ये 42 साउंड की बात कर रहे हैं, ये ऐप जो आपने डाउनलोड किया है, तो इस ऐप में आपको जैसा मैंने बोला कि कोई भी लेटर आप क्लिक करोगे तो आपको पूरा लेसन प्लान मिलेगा, जिसके थ्रू आप इजीली बच्चे को वो पर्टिकुलर साउंड करा सकते हो। आपको सीक्वेंस में ही चलना है ना, ऐसा नहीं है कि रैंडम कहीं से भी, आपको यहीं से ग्रुप वन से स्टार्ट करना है, जैसा अभी हमने वर्कशीट्स में भी देखा था ग्रुप वन टू, तो इस तरह से ग्रुप सेवन, उसके बाद जो अभी मैंने ऑल्टरनेटिव्स दिखाए वो ऑल्टरनेटिव्स की ए साउंड किस किस से आ सकता है, तो ये सारे ऑल्टरनेटिव्स भी हैं यहाँ पर, और ये 72 ट्रिकी वर्ड्स भी हैं यहाँ पर, है ना। तो जो बुकलेट में है वही यहाँ पर ऐप में भी है, लेकिन यहाँ पर आपको सॉन्ग स्टोरी सब कुछ मिल जाएगा, है ना। और जब आप मेरे YouTube चैनल पे जाएंगे तो आपको वहां पर बहुत सारे रिसोर्सेज भी मिल जाएंगे। इस प्लेलिस्ट में अगर आप जाते हैं, जॉली फोनिक श्वेता मोदी अगर आप ओपन करके इसमें अगर आप जाते हैं, तो इसमें आपको ये जो वीडियोस हैं इसमें पूरे पूरे लेसन प्लान्स हैं, है ना, ये पूरे साउंड्स एंड I have एक्शंस a हैं। parent of a toddler or a preschooler who is exhausted because you're running behind your child through the day. तो ये सारे 42 साउंड्स के स्टोरीज, लेसन प्लान्स, एक्शंस, ये सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा, और इसके साथ में ये ऑल्टरनेटिव स्पेलिंग्स को एक साथ भी आप करा सकते हैं। तो ए के सारे ऑल्टरनेटिव्स, YouTube चैनल पे सिर्फ प्लेलिस्ट में इस जाना है। ठीक है, मैम, जॉली एक चीज आपसे पूछनी थी। लाइक आई एम वर्किंग विद अ एनजीओ हियर, हाँ तो मैम जो बच्चे हैं मेरे पास में वो लाइक एज ग्रुप है उनका 5 से लेके 9 इयर्स तक है। तो लाइक मेरा ये है, आई एम नॉट इन प्रोफेशनली मोटिव कि मेरे को फोनिक्स क्लासेस लेके कुछ पैसे कमाने हैं, बट मेरे को उन बच्चों को किस लेवल से सिखाना है, बिकॉज दे तो आर आप ये वेरी बुकलेट का पीडीएफ मैं आपको शेयर करती हूँ, आप इसका प्रिंट लीजिए और इसी के अकॉर्डिंग चलिए आप, है इसका प्रिंट ले लीजिए, वैसे हार्ड कॉपी भी है। फोनिक्स क्लासेस के पीछे ये है कि जो जिन बच्चों को ये नॉलेज नहीं मिल पाती है, हाँ, तो इसीलिए मैं मैंने ये बुक को हिंदी में लिखा है कि वो इजीली उसको समझ पाए। सेम मेरे पास में इंग्लिश में बच्चों भी के है, लिए इंग्लिश एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन लाइक गवर्नमेंट टीचर्स को अगर हम कोई इंग्लिश बुक देते हैं तो वो उसको पढ़ने में थोड़ा हिचकिचाएंगे, इसीलिए मेरा मोटिव था कि ये मैं हिंदी में लिखूं।
इसका इंग्लिश वर्जन भी है मेरे पास में, बट जहां पे आप इस तरह के बच्चों को हेल्प करना चाह रहे हैं, तो अगर आप बड़े बच्चों को, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि ये जो हेल्प है ये आप बड़े बच्चों को दें, फिफ्थ क्लास, सिक्स क्लास, सेवन क्लास, एक्चुअली यही है कि क्योंकि छोटे बच्चों को इतना क्लियरली नहीं समझ में आ रहा है, जो बड़े बच्चे होंगे वो ज्यादा जल्दी अंडरस्टैंड कर हाँ, और पाएंगे। अगर बड़े बच्चे सीख जाएंगे तो वो छोटे बच्चों को सिखा सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए आप पहले सिर्फ सीवीसी तक, ग्रुप थ्री तक प्रैक्टिस कीजिए, पहले उनको 26 लेटर साउंड ए टू जी के सिखाइए, उसके बाद में सिर्फ सीवीसी तक, अगर वो उतना भी कर लेते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स की बात कर रही हूँ मैं, और बड़े बच्चे जो रीडिंग में प्रॉब्लम आती है उनको आप अगर ये बुकलेट देते हैं या इस बुकलेट से पढ़ाते हैं, इस बुकलेट का फोटो कॉपी भी देते हैं, मेरे पास हार्ड कॉपीज भी हैं, तो वो बच्चे खुद पढ़ के ही सीख जाएंगे, उनको खुद पढ़ के थोड़ा गाइड करेंगे तो उनको धीरे धीरे चीजें समझ में आ जाएंगी, है ना। मैम एक चीज और, लाइक